few words about her success. माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय सरपंच जी, सभी अध्यापक गण और मंच पे मौजूद सभी अतिथि गण और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए एक किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। मैं आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया तिरंगा फहराते हुए। ये मौका मुझे देने के लिए एक बार फिर से सभी प्रभाधनक टीम को मेरा धन्यवाद। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज हम इस सभा में देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मनाने के लिए जुटे हुए हैं। यह दिन हम सभी के लिए सबसे खास है। आज के भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इस पावन अवसर पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानी को याद करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की कुर्बानी दे दी। इन कुर्बानियों की बदौलत ही हम ब्रिटिश शासन से सैकड़ों साल बाद आज़ादी मिली है। दोस्तों, आज हम जिस तिरंगे की छाव में खड़े हैं वो हमें जीवन जीने की सही तरीका सिखाता है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। वहीं बीच में सफ़ेद रंग शांति, सद्भावना और सभी कर्मों का और धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। तिरंगे का सबसे निचली पट्टी पर हरा रंग देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भारत की इसी संस्कृति को उसके झंडे में देखा जा सकता है। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि हमें एकजुट होकर भारत का नाम रोशन करना है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।